अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं एनईडी की काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं और इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया है कंप्यूटर की फील्ड के अंदर। इनके तकरीबन 2 से 3 स्टार्टअप्स हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम किया है वो बच्चों की पढ़ाई पर किया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरह इस फील्ड के अंदर अपने आप को ग्रो कर सकें। और सर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के अंदर ये लेक्चरर भी हैं, तो आज हम इन्हीं से ही पूछेंगे कि इनकी क्या जर्नी रही और वो किस तरह इस जगह तक पहुँचे, किस तरह उन्होंने ये अपना मकाम बनाया। तो हमारे साथ हैं उनैस अली भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। मैंने अपना जो करियर का स्टार्ट किया था वो 2019 के एंड में किया था, जब मैं खुद सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट था। तो उस वक्त जो है मैंने आसपास यही, मैं मेरी इंटर्नशिप जो है फर्स्ट ईयर में ही लग गई थी इधर इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सेंटर में। तो मैंने जब प्रैक्टिकल वर्क को सीखना शुरू किया तो मुझे इसकी वर्थ पता चली कि जो भी डोमेन में आप होते हो आपको प्रैक्टिकली काम ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। तो उस वक्त जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था और मैंने अपने कोलीग्स को देखा तो वो लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छे थे लेकिन वो प्रैक्टिकल वर्क में ज़ीरो थे बिल्कुल। और सिर्फ ये हमारी यूनिवर्सिटी का हाल नहीं था, मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी देखी उन सब का यही हाल था। तो ये एक मास स्केल पे एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। अब या तो मेरे पास दो रास्ते थे कि जो फॉर्म पहले से बिगड़ी हुई है उसको सही की जाए या जो आने वाली जनरेशन है उसको सही की जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना यूटेक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसमें 7 से 15 साल के बच्चों को वो टेक्नोलॉजी सिखाई जाए जो एक इंजीनियर और मास्टर लेवल पर आकर कोई सीखता है। तो पहले मैं चीज़ों को खुद लर्न करता था, स्टार्टअप शुरू करा, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड थी मेरी तो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखनी पड़ी क्योंकि जो स्टार्टअप था उसमें स्टूडेंट पोर्टल था, उसमें वेबसाइट थी और उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो जिसके लिए मैं किसी को हायर भी नहीं कर सकता था। तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी और उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सीख के मैंने अपने स्टार्टअप में वेबसाइट, ऐप, स्टूडेंट पोर्टल सारी चीज़ें खुद बनाई और फिर वही चीज़ें फिर बच्चों को सिखाना शुरू। और फिर बस जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उस वक्त तक मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट हो गए थे, 4 से 4000 तक हो गए थे। और फिर मुझे ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए लेक्चरशिप ऑफ़र हुई और फिर वहीं से वो जर्नी अभी तक कंटिन्यू। सोनस, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी नज़र में यूथ क्या काम कर सकती है आईटी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब आने वाली यूथ और क्या काम कर सकती है? देखें, मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है ना एक बड़ा पुराना रस्म रिवाज चलते हुए आ रहा है कि चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर लेंगे, हर चीज़ रोबोटिक्स में चले जाएंगे, AI में चले जाएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली फोकस नहीं करते। तो मैं अगर अपना बताऊं कि मैं अगर कोई पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स कहीं से करता था या कहीं से भी सीखता था ना तो मेरा एक मोटिव होता था कि क्या मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इससे मिनिमम 4 प्रोजेक्ट खुद से डेवलप कर सकता हूँ। ये चीज़ भी आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी कि मैं जो भी चीज़ मैंने लर्न की ना उससे मैंने 4 ओपन सोर्स है सब, मतलब बच्चों की आसानी के लिए लोग मुझे फॉलो करते हैं गिटहब पे तो वो सब ओपन सोर्स है। तो क्या आप उससे खुद कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं? फिर डेवलप करने के बाद क्या आप उससे किसी को सर्विस दे सकते हैं? तो यंग यूथ के लिए यही है कि उनको मेंटोर ऐसा मिलना चाहिए जो उनको ना सिर्फ सिखाए, उनको ये भी बताए कि बेटा इसको एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में कैसे लाना है, आप ये नहीं कि बस प्रोग्रामिंग सीख के छोड़ दो। आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल है, जब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चे अगर किसी और चीज़ में लग जाते हैं तो माँ बाप कहते हैं कि यार अब ये अपने उसमें करियर पे फोकस नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है अपने साथ, तो आपके घर वाले कैसे थे आपके साथ जब आपने ये सारी चीज़ें यूटेक में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें करना शुरू किया? यार अगर देखा जाए तो मेरे साथ सिर्फ मेरी अम्मी होती है और मैं अकेला था। अब अकेला से 2 लोग हैं हम घर में ना, अब जब 2 लोग होते हैं ना तो बड़ी आसानी होती है ज़िंदगी गुजारने में। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ एक एडवांटेज क्या था, सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरी अम्मी जो है वो मेडिकल साइड, तो उनको कुछ भी नहीं पता कि IT में दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो मैं जो भी करता था वो हमेशा अप्रिशिएट करती थी और मुझे कोई रोक टोक नहीं था क्योंकि मैं घर का ओनली अर्नर था। जब आप एक सरबरा होते हो ना घर के तो आपको ही अप्रिशिएट किया जाता है और आप ही सारे डिसीजन लेते हो। तो मैं, मेरे लिए बड़ा ओपन था कि मैं कुछ भी करूँ मुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। अब मेरे लिए 2 रास्ते थे, या तो नेगेटिविटी में कुछ कर लेता है, पॉजिटिविटी में। मेरे ऊपर समझ लें एक अल्लाह की रहमत भी थी कि मैं सिर्फ पॉजिटिव कामों में अपने आप को इंगेज किया, ये यूथ डेवलपमेंट, लोगों के करियर डेवलपमेंट, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को एक पाथ देना, मेंटोरशिप देना, यही मेरा करते हुए मतलब टाइम गुजरता। मेरा सवाल आपसे ये है कि
आपने आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको गिव अप करने का आपने सोचा हो, कि जैसे आपने जो यूटेक स्टार्ट किया, कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आपने सोचा हो कि मुझे अब रोकने देना चाहिए या इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? बस वही है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये सेक्रीफाइस करना पड़ा था, क्योंकि यूटेक में अच्छा खासा टाइम जाता था, ट्यूशन छोड़नी पड़ी थी, इंटर्नशिप छोड़नी पड़ी थी, तो यही होता था कि यार अच्छी खासी अर्निंग चल रही थी, मैं कहाँ फंसी गया तो बच्चों को सिखाने में, बच्चे क्वेश्चन इतना करते हैं, शुरू शुरू में आपका होता है ना शैतान भड़काता है और वो फेस अगर आप निकाल लो तो आप कामयाबी की तरफ चले जाते हो, तो उस पॉइंट पे होता था कि यार अब गिव अप कर लो, लेकिन उस वक्त सब्र बहुत ज़रूरी होता है। एक एंटरप्रेन्योर जब तक रिस्क और रिस्क लेना ना सीख जाए और सब्र करना ना सीख जाए ना, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। लोग तभी 9 to 5 जॉब्स को प्रीफर करते हैं, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं करते, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। उसमें बंदा सुकून से 9 to 5 जाता है, रोबोट की तरह काम करता है, पैसे मिलते रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में पैसे थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं। अच्छा ओनेस भाई, माशाल्लाह की काफ़ी खिदमत है इस फील्ड में और आगे भी होगी इंशाल्लाह, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, तो इस फील्ड में आप किसी कोई ऐसी शख्सियत है जो जिसको आप अपना मेंटर मानते हो, इंस्पिरेशन मानते हो? इस फील्ड में डॉक्टर साद अहमद काजी हैं और डॉक्टर हाशिम रजा खान हैं। डॉक्टर साद अहमद काजी CIS के डीन है, CIS और इलेक्ट्रिकल के डीन है वो, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट दिया, क्योंकि बच्चों के लिए एक इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए था जहाँ पे वो बच्चे आके मैं उनको फिजिकली देख सकूं, तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट दिया, डिजिटल लाइब्रेरी दी वीकेंड्स के लिए, और वो खुद भी बच्चों को आके मोटिवेट करते हैं, तो मेरे लिए वो सबसे अच्छे मेंटोर रहे हैं। जैसे आधे बच्चे यहाँ पे पढ़ने का सोचते हैं, आधे बच्चे सोचते हैं कि बाहर जाके पढ़ें और बाहर ही जॉब करना शुरू कर दें, तो आपके ख्याल में बच्चों को अपना फ्यूचर देखना चाहिए या मुल्क का फ्यूचर देखना चाहिए? यार मैं हमेशा इस बात पे वो करता हूँ कि अकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है, भले IT आप जो भी सीखो, अकेडमिक्स बहुत ज़रूरी है। मैंने कभी इसको नेगलेक्ट नहीं किया कि भाई तुम डिग्री नहीं लो और तुम सिर्फ IT फील्ड में जाओ, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ, दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलानी होती है, क्योंकि मैं खुद भी 3.6 CGPA मैंने भी मेंटेन रखी है अपने ग्रेजुएशन साइकिल में, और उस टाइम मैं मेरे स्टार्टअप भी चल रहा है, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में भी काम कर रहा हूँ, इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी है। इल्म के लिए आपको दुनिया के किसी भी कोने में जाना हो ना, आप अच्छी तालीम और तरबियत लो, लेकिन उसको लेने के बाद चलो एक आध साल आप वहाँ पर एक्सपीरियंस भी ले लो, लेकिन अपने मुल्क को नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ से आप पैदा हुए हो, अगर आप उस माँ को ही भूल जाओगे तो वो एक अलग वे में चले जाती है, तो हम यही करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ भाई, आप तालीम और तरबियत के लिए दुनिया जाओ, तो कहीं पे भी जाओ, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लो, लेकिन अपनी कंट्री को सर्व करना नहीं भूलना कभी। सिर्फ अपने बारे में सोचना ये मुनासिब नहीं है, फिर आप इंजीनियर हो ही नहीं। लास्ट मैसेज आपका क्या है स्टूडेंट्स के लिए? भाई मेरा स्टूडेंट के लिए यही मैसेज है कि अपने टाइम को एक सेमेस्टर गोल्स पर डिफाइन करो, जिस भी फील्ड में आओ, और अपने सेमेस्टर गोल बनाओ कि भाई इस सेमेस्टर ये चार चीज़ें सीखनी है, इस पे इतना काम करना है, फिर अगले सेमेस्टर ऐसा नहीं कि आप 10 चीज़ें एक साथ लेके चलो, जो हम गलती करते हैं, अगला पाइथन सीख रहा है मैं भी सीख लेता हूँ, अगला रिएक्ट सीख रहा है मैं भी सीख लेता हूँ, कोई एक चीज़ भी ढंग से नहीं सीखते और अपने आप को एक दरिया में ख्वार करवा रहे होते, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा अगर आप जर्नी फॉलो करो unsl.com पे, तो उसमें बड़ी सिमटी भी जर्नी है। हर सेमेस्टर में चार चीज़ें सीखता था मैं, एयर वाइज लिखा हुआ उसमें, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके उसके प्रोजेक्ट्स बनाता था, और मुझे ये होता था कि भाई ये अब मुझे पक्की आ गई है ना, तब मैं अब किसी और चीज़ पे जम लगाऊँ, वरना नहीं, वरना उसी को बेहतर करूँ। तो ये मेरी बड़ी विश है कि भाई फोकस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।